पर देखिए हैन वगैरह है, हैन का बच्चा, मुर्गी का बच्चा, मुर्गा सब कुछ इधर है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मेरे ख्याल से अच्छे हो, अच्छे नहीं तो कमेंट करना। सो फिर से आ गया मैं एक नए ब्लॉग के साथ। अभी मेरा एक फ्रेंड का घर पे पूजा है, सो उसने इनवाइट किया था और वहाँ पर मेरा बहुत सारा फ्रेंड्स आने वाला है और मैं एक ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। सो अभी मैं घर से निकल चुका हूँ, मतलब देख ही सकते हैं मैं अभी रोड पर हूँ और अभी थोड़ी देर में उधर जा रहा हूँ मैं। और हमको और एक बात बोलना था आप लोगों से, वीडियो तो मैं अपलोड कर दूंगा लेकिन मैंने और दो वीडियो शूट करके रखा है शादी का। वो मेरा एक पड़ोसी भैया का शादी था, उनका शादी में बहुत इन्जॉय किया और दो दिन का शादी था, टोटल तीन दिन है लेकिन मैंने दो दिन का शूट किया था और बहुत अच्छा, मतलब शादी में इन्जॉय किया, बहुत मज़ा लगा और उसी का मैंने ब्लॉग शूट करके रखा है लेकिन उसको एडिट अभी तक नहीं किया है। जब एडिट करूँगा उसके बाद आप लोगों को मैं अपलोड करके देख पाएंगे। सो लेट में वीडियो अपलोड करने के लिए आप लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ और अभी तो पूजा में जाके मिलते हैं। देखिए ये सभी पूजा में जाके आ रहे हैं और हम तो जा रहे हैं। और गाइस देखिए हमारा गांव में अचानक से ये बस कहां से चला आया और अभी हम बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर दिया। यहाँ पर देखिए बच्चे लोग इधर पूजा में जाके प्रसाद वगैरह लेके आ रहे थे और हम अभी जा रहे। सो फ्रेंड्स इधर लास्ट हम फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं पूजा घर पे हाँ पहुँचे हैं। देखिए पूजा घर है और हमारा यहाँ पर मिस्टर आरजे छेत्री कहाँ जाएंगे नहीं मालूम, बाइक लेके रेडी है। तो अभी हम बाइक को रख के अंदर की ओर जाते हैं और ये पूजा घर है। देखिए यहाँ पर ये खाने व्यस्त है और इनका आज नेपाली परंपरा में सोस्तानी का सांगे बोलता है, उसी दिन इन लोग का गुनी चोलो भी बोला जाता है। उसका कुछ कार्यक्रम था, कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट करने के बाद ये खाने में व्यस्त है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मिस्टर कांचा छेत्री है, इन्हीं का घर पे पूजा है। सो इनको मैं एक बार दिखाने का प्रयास में लगा हूँ। देख ही सकते हो ये कांचा, देख ही सकते हो कितना प्यारा सा इसका मुखड़ा है, घंटा देख सकते क्या क्या गंदा गंदा वाट नहीं बोल रहा है। और इसी जगह पर ऐसे करके पूजा हुआ था। यहाँ पर देख ही सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 के लगा के उसके बाद यहाँ पर ये देख ही सकते हो इसको क्या बोलते होम करके इधर पूजा को कंप्लीट करके एकदम देख ही सकते हो इधर एकदम बड़ा सा देखिए केला है इनका। मेरा फ्रेंड्स बोल रहे हैं भाई चलो प्रसाद खा लिया जाए और अभी मैं बोल रहा हूँ मैं तो अभी नहीं खाऊँगा, मेरा फ्रेंड लोग जब आएगा, बहुत सारा फ्रेंड है वो लोग आएगा उसी टाइम खाऊंगा। अभी देखते हैं कांचा क्या खाता है। और साथियों अभी मैं वेटर को दिखाने जा रहा हूँ यहाँ का प्रसाद वितरण करने का वेटर। देखिए यहाँ पर मिस्टर धीरज भैया है और यहाँ पर करण आचार्य छेत्री और यहाँ पर इसी गांव का छोटा छोटा बहना है, देख ही सकते हो इधर दो बहना है। हाय बोल दो तुम लोग, हाय बोल दो। ये पर देखिए हैन वगैरह है, मतलब हैन का बच्चा, मुर्गी का बच्चा, मुर्गा सब कुछ इधर है। और यहाँ पर
कढ़ाई है, कढ़ाई के अंदर इधर चूल्हा है और इधर सिलेंडर रखा हुआ है। यहाँ पर खीर पकाया होगा शायद। देखो साथियों, देखिए मेरा फ्रेंड्स के घर में कितना बकरी है। ओ भाई साहब, बहुत सारा बकरी है। देखो गाइस, इसको बकरी तो नहीं बोलते, नेपाली में इसको खसी बोला जाता है, हिंदी में नहीं मालूम और इंग्लिश में भी नहीं मालूम। आप लोग कमेंट करके बता देना। पर देखिए, कांचा सुबह से उपवास था और अभी अभी कितना बज रहा है भाई? अभी आपका 5:30 बज चुका है और इसको बहुत ज़ोर से भूख लग रहा था। और यहाँ पर ये प्रसाद लेने में देख ही सकते हो, क्या बोलूँ आप लोगों को तो मालूम है मैं क्या बोलता हूँ। और यहाँ पर देखिए अंकल भी है। प्यारे साथियों, अभी देखिए थोड़ी देर पहले हमारा करण आचार्य छेत्री वेटर था, मतलब प्रसाद वितरण कर रहा था। और अभी देखिए प्रसाद लेने में क्या बोलूँ, खाने में बिजी है। प्रसाद में इधर सेल रोटी, इधर क्या सब्जी, बंदा गोभी सब्जी, मटर, स्कूस। और खीर कहाँ गया? खीर आ रहा है बाद में। खीर बाद में आ रहा है बोल रहे हैं। सो कैसा है प्रसादी, कमेंट में बताइएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डीजे सेट लाया हुआ है, दो बॉक्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इसका जो एम्पलीफायर बोला जाता है वो है, इसके जरिए ही गाना बजता है। तो रात में बहुत इंजॉय होने वाला है। सो देखिए गाइस, ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, वीडियो में अंतिम तक रहना। तो फ्रेंड्स बहुत देर के बाद मेरा स्कूल का साथी जितने भी चले आए हैं, तो वो लोग अभी प्रसाद खाने में व्यस्त है। अभी मैं उन लोग को दिखाऊंगा। देख सकते हैं ये मिस्टर दीपू भैया है, ये हमारा फ्रेंड, ये भैया है। और यहाँ पर देखिए ये मिस्टर मंतेश रॉय, ये हमारा स्कूल का फ्रेंड है। और ये भी एक भैया, इनका नाम मेरे को उतना मालूम नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं मिस्टर अनिकेत उड़ाव, यहाँ पर प्रसाद खाने में व्यस्त है, ये मेरा स्कूल फ्रेंड है। और ये इसको तो पहचानते होंगे, मिस्टर तुषार प्रधान। देख सकते हैं मिस्टर संजीव रॉय, यहाँ पर देखिए इसने थाल में, इसको सेल रोटी कहा जाता है ना। और यहाँ पर सब्जी है, देखिए यहाँ पर खीर भी है। और यहाँ पर देखिए मंटू भाई कैसे करके खा रहे हैं। इनका नाम मंटू नहीं है, लेकिन इनको मंटू करके बुलाया जाता है इसका, हम इनको मंटू प्यार से बुलाते हैं। इनका नाम हरिकृष्ण रॉय है। देख सकते हैं मिस्टर गोविंद, इनको आपने देखा होगा शायद, ये भी अभी प्रसाद खा रहे हैं मेरे को छोड़ के। यहाँ पर मिस्टर गोविंद छेत्री, ये भी प्रसाद खा रहे हैं। भाई हेलो कर दो तुम। और यहाँ पर देखिए मिस्टर जयदेव ब्रजवासी, तो ये भी प्रसाद खा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मिस्टर प्रशांत रॉय, ये भी एक यूट्यूबर है। इनका जो यूट्यूब चैनल का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखिए ये गाइस, ये कैसे अपना झोपड़ा को लुकाने की प्रयास में लगा है, तो देख ही सकते हो आप लोग। पर देख सकते हैं मिस्टर आरजे छेत्री, ये मेरा जितना भी साथियों है, जितना भी मेरा फ्रेंड्स है, वो लोग को प्रसाद दे रहा था इतना देर से, और हमने अभी तक प्रसाद नहीं लिया है, हम भी लेंगे अभी। यहाँ पर गाना बजा रहा है और उसके साथ ही यहाँ पर डांस कर रहे हैं 2-3 बच्चे, देख ही सकते हो यहाँ पर। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैं बैठ चुका हूँ और ये टेबल है, यहाँ पर पानी रखा हुआ है। और ये किसके लिए टप्पड़ है भाई? ये मेरे लिए टप्पड़ रखा हुआ है। और अभी हम भी प्रसाद लेंगे गाइस। पर देखिए सकते हो मिस्टर आरजे छेत्री ने हमको यहाँ पर सेल रोटी दिया हुआ है। सेल रोटी है ना भाई, क्या बोलते हैं रोटी? हाँ, चाय रोटी बोलते हैं, सेल रोटी बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं नहीं मालूम। आप लोगों को जितना भी मालूम होगा प्लीज मेरे को कमेंट करना। गाइस ये ना बहुत खाने में बहुत टेस्टी होता है यार, बहुत ही टेस्टी है। आप लोगों ने कभी ट्राई किया है तो मेरे को कमेंट करना। गाइस देखो इसको ना ऐसे करके ले के ऐसे करके खा लेना चाहिए, बहुत टेस्टी होता है यार। और मेरा जितना भी फ्रेंड्स है वो एक ही फ्रेंड्स को ढूंढ रहा है, हम जिसका घर में पूजा में आए थे वो खानसा नाम का बंदा, ये लोग को नहीं मिल रहा है अभी तक। हमको भी नहीं दिखाई नहीं दे रहा कहाँ गया, कुछ देर पहले तो था लेकिन अभी तो नहीं मालूम कहाँ गया। देखते हैं कब तक आता है वो हम लोगों को मुलाकात करने के लिए। हम लोगों को तो नहीं, हमसे तो मुलाकात हो ही गया है। ये जितने भी मेरा साथियों आए हुए हैं और ये हम देखो भाई ये खीर है, खीर। गाइस हम लोगों ने फाइनली प्रसाद ले चुके हैं और देख ही सकते हैं मिस्टर प्रशांत रॉय अभी फोन चलाने व्यस्त थे और हमने तो प्रसाद ले लिया। अभी थोड़ा सा